यहाँ पे 14G आ रहा है, इसके चलते अभी लाइंस में सारी दिक्कतें उठ रही है। तो जो भी गरीब लोग हैं वो प्लीज कृपया करके शांति बनाए रखें नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेल लव्स थैंक्स। हाँ, गरीब लोगों को नीचे ज्यादा इतनी मस्ती मचाने की जरूरत नहीं है भोसड़ी वालों। अभी यहाँ पे 14G आ रहा है, इसके चलते सारे नेचुरल कनेक्शन उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। हाँ, तो बस यही चीज़ अभी मैंने 2-3 जगह पे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई अभी सारे नए ये पूरा नया सेटअप चल रहा है 14G का, उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी। भाई देखो, अभी भी नेटवर्क ख़राब है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो अब उसमें मैं तो कोई भैनचोद उन लोगों का काम रोक नहीं सकता। चलो करण हेलो। हेलो। हाँ हेलो। और कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? भाई पहले तो तुम है ना लाइट्स ऑन करके सामने आ जाओ, उसके बाद बात करो। मतलब जब ओ तुम्हें, मेरी हाँ जब ओ तुम्हें मेरी चैलेंज, हेलो। भाई तू लाइट्स ऑन करके सामने आ जा। जब तुम एक सेलिब्रिटी से बात करते हो तो सालों कोई तमीज होनी चाहिए। ओ मतलब कि ऐसे अच्छा लाइट बंद करके बात करेगा तू एक सेलिब्रिटी के साथ? लाइट हाँ, लाइट्स ऑन करो, तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है वो लोगों के सामने लाओ। भाई हाँ भाई, अभी तुम्हारा चेहरा पानी की तरह दिख रहा है। और कहाँ से हो? तू कहाँ से हो? मैं मेरठ से हूँ, तुम कहाँ से हो? मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हो तुम? वाजीपुर एरिया दिल्ली कहाँ पे? इंडस्ट्री एरिया। ये ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। मैंने ये राजीव चौक सुना है, पटेल नगर सुना है, सुंदर नगर सुना है, बदसुंदर नगर सुना है, ऐसा एरिया सुना तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं रे। तो सुना हाँ? फिर तो से तूने लाइट बंद कर दी? किसने तूने फिर से अपनी लाइट्स बंद कर दी? लाइट ऑन है? अरे कहाँ पे ऑन है साले, थोड़ी मतलब थोड़े उजाले में आ जा, इतना काला है तू, लाइट्स ऑन करके भी दिख नहीं रहा है, शर्म कर ओ ले। हवा ओ हवा गरीब आदमी। हेलो ओ गरीब आदमी। सुन, हाँ पता जब तू एक अमीर को गरीब बोलता है तो तुझे बहुत मजा आता है ना। हाँ जब एक अमीर आदमी को गरीब बोलता है तो तुझे ऐसा लगता है ना कि आज मैंने एक अमीर को गरीब बोल दिया। हाँ सही पकड़ा तूने।
और क्या करता है भाई तू वहां पे काम? तू बता क्या करता है? मेरी तो यही परचूनिया की दुकान है, तेरा क्या काम है? मेरा तो काम बहुत कुछ है, तू सुन लेगा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा काम मत सुन भाई पनोड़ी। अरे क्या काम है, मतलब तेरा लेने का काम है या देने का काम है या फैलाने का काम है? ना लेने का काम है मेरा। क्या काम क्या है तेरा ये तो बता, लेता है देता है फैलाता है, क्या करता है तू? देख पनौड़ी भाई, जो ब्रांडेड जूते होते हैं पनौड़ी भाई, हाँ जैसे स्केचर्स हो गया, एसिक्स हो गया, एडिडास हो गया, पुमा हो गया, क्रॉक्स हो गया, भाई मेरा काम हाँ है डब्बे में पैकिंग करना। अच्छा। कंपनी में जॉब करता भाई मैं, उस कंपनी का नाम है मोचिको। नेट पे डालियो गूगल पे, मोचिको, मोचिको सोल्टेक। अच्छा, मतलब हाँ बातें तो तू ऐसी कर रहा है कि जैसे कंपनी का मतलब मालिक हो। मालिक। हाँ भाई है सिस्टम है अपना, ठीक अच्छा है कहीं तेरा भी मत लीजिए। सिस्टम, मतलब तेरा भी सिस्टम है। बताओ भाई, एक डब्बे पैक करने वाले का भी सिस्टम है भाई, सोचो क्या सिस्टम क्या है तेरा। सिस्टम मालूम है क्या है? हाँ जब मेरे मन में आ गया तब चला गया, और मेरे जैसे नहीं होता, मेरे अंडर में 15-20 लड़के काम करते हैं। अच्छा, मतलब तेरे नीचे 15-20 लड़के काम करते, वो सिस्टम है तेरा। हाँ चलता है, अच्छा मतलब कंपनी में मेरा चलता है। अच्छा अच्छा भाई, जबरदस्त सिस्टम है भाई तुम्हारा। कितना कमाते हो महीने का डब्बा ये पैकिंग करके? महीने का 30-35 हज़ार। अच्छा, मतलब देखो यार बुरा मत मानना, हाँ जिस तरीके के घर में तुम रहते हो ना, तुम्हारी हालत बहुत खस्ता लग रही है मुझे। अच्छा, बहन के लोड़े देख ले तू। अभी अंदर तू जाएंगे तो कल वीडियो कॉल नहीं कर लियो। मेरा नाम हेलो पनोड़ी। अभी एक दो कौड़ी की लुंगी वहां पे सूख रही थी, वो हम लोगों ओ हाँ भाई, ओ अभी दो कौड़ी की एक लुंगी वहां पे सूख रही थी, वो हम लोगों ने देखा। ओ हाँ भाई, पनोड़ी हाँ मैं जिस जगह पे रहता ना बाबा, वहां पे बारिश बहुत होती है, बहुत। जिस जगह पे मैं रहता अच्छा, मतलब वहाँ, के तू तो दिल्ली में रहता है ना? ओ हाँ भाई, मैं रियल बात तुझे बताया नहीं कहाँ रहता मैं। दिल्ली में तो नहीं रहता मैं तो कहाँ, पांडुचेरी में रहता है? अभी। हाँ भाई, तुझसे तो वही मिलते, दिल्ली वाले, नोएडा वाले, गुड़गांव वाले, तुझसे तो वही मिलते रहते हैं, इसलिए मैंने भी बता दिया कि दिल्ली वाला हूँ मैं भी। हाँ मतलब के कौन सा तू, मतलब सारे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, रहता अरे तो तू दो हाँ कौड़ी की जगह पे ही है ना। पासपोर्ट तेरा जमा ही हो गया है, तू इंडिया आ नहीं सकता, चोदेगा हाँ ये बात तो सच है, मेरा पासपोर्ट जमा हो गया है यहाँ की कोर्ट कचहरी में। ही। हाँ, तो इंडिया वाले को लोगों को बोलता है यहाँ यहाँ तेरा पासपोर्ट जमा हो गया, इंडिया वाले लोग अमेरिका नहीं आ सकते। अरे हाँ भाई, लेकिन साले मेरा तो अमेरिका में पासपोर्ट जमा हुआ, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, तुम लोगों की तरह हवाबाज थोड़ी हूँ। हवाबाज तो है ही भाई। मैंने तो यहाँ पे कालों को पीटा हुआ है, मैंने तो यहाँ पे गोरो लोगों को पीटा हुआ है, मैंने तो यहाँ पे मतलब इतनी बदमाशी गिरी की हुई है कि साले यहाँ के पुलिस वाले मुझे हर रोज ढूंढते आते हैं मेरे घर पे। हाँ ठीक है, तुझे कोई बंदा को मार, जैसे दीपक कलाल हुआ या तारा जोगिंदर हुआ, मतलब तुम्हें नाम यार आदमी को पीटते हुए तुम्हें वीडियो बना के भेजो तो ठीक है बंदा, मतलब तुम्हें प्रूफ करे, तुम्हें आईडी चाहिए प्रूफ, क्या है मतलब, क्या है क्या नहीं है, तब तुम मानोगे। हाँ, अच्छा भाई, तब तुम बताओ मुझे कैसे हवाबाज कह रहे। तुम हवाबाज तो तुम खुद हुए तब तो। मेरी बात सुन, अभी तूने कौन सा नशा किया हुआ है, सच बता। सच बताओ, तू कौन सा नशा किया हो भाई? हवाबाजी तुम्हारे जैसे दिखाने दे, गाड़ी ले लिया फरारी, तुम्हें एस्टन जीटी, तो BMW। साले वो मर्चेंडीज नहीं होता, वो मर्किडीज होता है। ओ हवाबाज, मुझे सब पता है, तुमने तो तू इसलिए मर्चेंडीज मुझे बोल रहा है, मर्चेंडीज बोल रहा है साले, नहीं। वो मर्किडीज होता है।
ओ आओ आज मुझे सब पता है। कल मेरा नंबर 1500 मैं बाइक दिखा दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। मेरे पास ड्यूक भी है और RC 390 बाइक है, फोर व्हीलर तो है नहीं मेरे पास, ड्यूक है और RC 390, दो ही बाइक है मेरे। और मोहल्ले वाले ना भाई सुन, वो आवाज अगल बगल वाले ना जब लेके निकलता हूँ ना SC का साइलेंसर लगा के गांड पड़ती, जलते हैं लोग, कैसे कमा रहा है बंदा। अगल बगल वाले आवाज, तो हाँ मतलब अमेरिका में रह रहा अगल VPN लेके रखा तो वो बड़ी बात है। अच्छा मतलब कि तेरी कमाई से तेरे आजू बाजू वाले जलते हैं। हाँ आप सही पकड़ो, ओहो लोकेशन के हिसाब से ना वही बैठा रहे बाबा। तो अच्छा, मतलब अमेरिका में रह कि फिर तो तब मतलब लड़की तेरे लिए तो ये आजू बाजू वालों की लड़कियों के रिश्ते बहुत आते होंगे, तेरे तो लोग प्यार पकड़ते होंगे कि हमारी लड़की से हाँ। शादी कर लो। अबे हाँ यही समझे तू भाई। अच्छा, और तेरे माँ बाप का ठिकाना है कि या निकल लिए दुनिया से? नहीं क्यों नहीं भाई, अच्छा मतलब तेरे साथ ही रहते हैं वो लोग? हाँ अच्छा, और गर्लफ्रेंड तो होगी तेरी, मतलब जिस तरीके से तेरी शानो शौकत है, जिस तरीके से तू अमीर बंदा है एक, हाँ तो गर्लफ्रेंड तो तेरी पक्का होगी ही होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो तेरी गर्लफ्रेंड मतलब तेरे आसपास से ही है या कहीं फॉरेन कंट्री में रहती है? ना ना मतलब 4 से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो क्या नाम है भाभी जी का? मधु ओहो मधु नाम है ये तो। यार देख, मधु नाम है ना मेरा फेवरेट नेम है, क्योंकि हाँ मधु नाम की एक हीरोइन होती थी, मतलब पता नहीं अभी वो जिंदा है या मर गई। फूल और कांटे मूवी पनौड़ी देखी भाई, है हेलो तूने? पनौड़ी भाई, हाँ नंबर नोट करो आप मेरा, हाँ हाँ बोलो। मैं डीएम कर डीएम करूंगा, बोलूंगा नहीं, मैं डीएम करूंगा आपको, कॉल करना आप पर्सनली। तो क्या मतलब तेरी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा मुझे? बिना आवाज ही ये गलत बात है ना। अरे साले, मतलब तू दिखाएगा तो मैं भाभी जी को प्रणाम करूंगा, भाभी जी को हाल हवाल पूछूंगा, भाभी जी को सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से पूछूंगा। भाभी जी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ, डीएम करूंगा ठीक है आपको नंबर। हाँ भाभी जी का करियो, तेरा रहने दे, तेरे तेरे से गंजेड़ी बात करके क्या करूंगा मैं, अभी तेरे से तो बात कर ही रहा हूं ना। क्यों उल्टा बोलते हैं आप, क्या? उल्टा क्यों बोलते हैं? अरे अभी तेरे से तो बात मैं कर ही रहा हूं ना, तो अभी तेरे से दोबारा बात करके मैं क्या करूंगा? मैं भाभी जी से बात करूंगा, मैं पूछूंगा कि भैया तुम्हें परेशान तो नहीं करते ना। हाँ। हाँ तो मधु मधु डार्लिंग का नंबर भेज दियो। ठीक है और बताओ पढ़ो क्या हाल है। और घर पे बुढ़ा बूढ़ी ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं तो तेरा बाप कहीं काम नहीं करता या तू अपने बाप को पालता पोसता है? करते हैं, वो भी करते हैं, डैडी भी काम करते हैं। अच्छा डैडी, हाँ भाई एक बात बोलू, अगर तूने तेरे बाप को सही में एक बार डैडी बोल दिया ना, तेरा बाप तुझे चप्पलों से मारेगा। ऐसा नहीं हुआ बाबा। मतलब बापू से सीधा डैडी? हाँ 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 भाई आ गए, अच्छा, सुमित नागर भी आ गए ऑनलाइन। अरे मैं तो मेरे बाप को बापू ही बोलता हूँ, मैं क्यों डैडी बोलू? वो आपकी ये दिक्कत है ना, सम्मान वाली बात अच्छा होती है, कोई बाप बोलता है, कोई डैडी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। तो तू गंडवा बोल दे अपने बाप को। क्यों मैं बोल दो, तुम गानों बोल दो बहुत छोटी। कोई कुछ भी बोलता है तो तू अपने बाप को गंडवा बोल दे, ए गंडी, ऐसा बोल तेरे बाप को, अच्छा लगेगा उसको। बताओ हाँ मतलब वही बोल रहा हूं मैं, अपने बाप को गंडी बोल दे, तेरे जैसे गंजेड़ी को पैदा किया तो वो गंडी हुआ ना। कितना दारू पी लेते हो क्या तुम कितना दारू पी लेते हो तुम। मुझे तो दारू छोड़े हुए 1 महीना हो गया, मैं कहाँ दारू बारू पीता हूँ? अबे बाबा आज जी कल
बता रहा मैं, आज ही दिन में कार लेके हवाबाजी दिखा रहे थे दारू पीते हुए, ठीक है, आज अरे का या कल का आज। साले वो तुम लोगों को चूतिया बनाता हूं मैं, वो एप्पल जूस होता है भोसड़ी वालों। हाँ पता है, पता है हवाबाज, मुझे पता, एप्पल जूस हाँ पीने का तरीका भी होता है दारू पीने वो के एप्पल, में, और एप्पल जूस के तुम से भोसड़ी कैसा दारू पी रहा है, और कोई बढ़िया सीनियर डॉक्टर दारू पी रहा है। हाँ तो वो एक्टिंग होती है भोसड़ी के, हाँ समझा। मुझे सारा पता है, एक्टिंग तुम्हारा क्या एक्टिंग है क्या एक्टिंग नहीं है हवाबाज। और दूसरा कौन कौन है तेरे घर परिवार में, बहन भाई है क्या नहीं है? अच्छा ना नीट खेल रहा हूँ, और बताओ, पूरा अकेला ही है तू? फैमिली है भाई, पंडित भाई पूरा फैमिली है। अरे मतलब के भाई है, बहन है, भाभी है घर में, भाभी के बच्चे बच्चे हैं, हाँ मतलब घर में है भाभी। अच्छा, और बच्चे बच्चे है घर में? हाँ तो भाभी के साथ बैठ के तूने कभी भोजपुरी पिक्चर देखी है? भाभी के साथ बैठ के तूने कभी भी भोजपुरी पिक्चर देखी है? अरे ना 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 बाबा, भाभी के साथ तू एक पिक्चर देखना, वो पिक्चर का नाम ये है लहंगा उठाऊंगा छत में, पिज्जा खाऊंगा ठोक के। ओ हवा आज भाभी पिज्जा उजा तेरी का नाम भाभी मत के लेके साथ, मुझे बता रहा था और ये ये पिक्चर देखना कि लहंगा उठाऊंगा छत पे और पिज्जा खाऊंगा ठोक के, ये मूवी नाम भी देखना नहीं बताया तुमने, एक। वो तुम्हें तो नाम भी नहीं बताया हवाबाज। अरे मूवी का नाम है साले, मूवी का नाम ये है कि लहंगा उठाऊंगा छत पे और पिज्जा खाऊंगा ठोक के, हाँ है क्या ये देखो बड़वे ने, ये क्या पाउडर है ये? ओ हवाबाज, गरीब आदमी तुम खाए रहोगे तो ना जाओगे तुम। ये क्या खाया है तूने अभी? ओ हवाबाज गरीब आदमी, रुक अच्छा जा, ड्रग्स ले रहा है? ओ हवा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ गरीब आदमी, चश्मे 100 रुपए का चश्मा लगा के आ गया, और हवाबाज दिखा दी गाड़ी भी दारू पी रहे, गाड़ी में घूम रहे, बस हो गया। निकल भोसड़ी के, अब तुझे होश ही नहीं है माधव चौधरी। पता नहीं कैसे कैसे गंजेरी लोग भी आते हैं बहन, जो आज तक एक बंदा लाइफ पे ऐसा नहीं आया जो अच्छे फैमिली से हो, जो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, जैसे कोई बहन जो शिपिंग कंपनी का ओनर हो, जैसे कोई बहन जो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट का ओनर हो, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स का ओनर हो, ऐसा तो आज तक आया ही नहीं। ऐसे ही बहन चो पैकिंग करने वाले, बहन चो रसोइये, रिक्शा वाले, बहन चो यही ये 90 ये हेयर कटिंग करने वाले, ऐसे ही माधव चोर लोग आते हैं लाइफ पे। एक भी बंदा आज तक ऐसा नहीं आया जो मुझे मुझे खुद को प्राउड फील हो के नहीं नहीं यार ऐसे लोग भी मेरी लाइव देखते हैं, ठरकी बैनचोदा नशेड़ी गंजेड़ी रंडीबाज, इन लोगों से पूरा भरा पड़ा हुआ है ये मेरा अकाउंट। ये देखो एक दूसरा आएगा गंजेड़ी, आजा भाई जिद्दी आहिर, जिद्दी आही राजा, ये मेरे क्राउड की वजह से ही कोई भी इंस्टाग्राम वाला मुझे मुंह पे नहीं लगाता। हेलो हेलो सुन भाई हो? हेलो, अरे सोमणिया भाई, सोमणिया पहले, हेलो अरे सोमणिया सोमणिया, हेलो। ओ बड़वे, हेलो अरे सोमने आ जा, बड़वे, सोमने आ सोमने आ, माधरचोद सोमने आ,
बहुत चली गए। और तेरे बहन की चूत सामने है सामने थोड़े भोसड़ी के मादर चोत ये सामने नहीं आएगा निकल बैठ के साले सामने आके गाली दे चलो अब ये है अर्पित भारद्वाज आ जाओ भाई अर्पित भारद्वाज ये कोई मॉडल लग रहा है मुझे ये अंकी अरविंद भारद्वाज ये मुझे कोई मॉडल टाइप दिख रहा है ये आ जा भाई मॉडल चलो भाई ये तो ऐड नहीं हो रहा है ये है मैं चलो यहाँ पे अब हेलो भी ना है ना मैं चलो सही में यहाँ पे है ना भाई हेलोवीन में माइकल मायर्स निकलता है रात को आठवीं 9:30 बजे के बाद पूरा बैंचोद पूरा विलेज सुमसान हो जाता है उसके बाद निकलता है ये माइकल मायर्स ये रॉन्ड आते ही घूमने लगी ए राउंड आते ही रंडी घूमने लगी तू ओ बहन चोद एमबीए चाय वाला है लाइफ पे आ जा भाई एमबीए चाय वाला तू तो भोसड़ी के बर्बाद बाद हो गए एमबीए चाय वाले तेरी तो मार चुज गई हाँ लाई प्या यार ये ऐड क्यों नहीं हो रही एमबीए चाय वाला मादर चोदा है अभी ऐड नहीं हो रहा है यार चलो ये है केपी केपी पवार आ जा भाई केपी पवार आ जा केपी पवार आ जा भाई ब्रो क्या चल है पनोनी भाई बस भाई मैं ठीक हूँ और कहाँ से हो भाई आपने गुजराती गुजरात ना अच्छा अच्छा और गुजरात में कहाँ से हो भाई तुम सूरत अच्छा और सूरत में क्या करते हो भाई सूरत में दाढ़ी मतलब मजदूर मानस हो हाँ તમારે એટલે તમારા હિસાબ થી દહાડી એટલે બરાબર તમારે કેવાનું એ તમારો અર્થ છે ને એટલા માટે અમે બેહીને સાંભળીએ ત્યારે ખબર પડે કે હા મતલબ દેખ અગર તું એ સોચતા હે કે મેં ગુજરાતી બોલતા હું તો મુજે ગુજરાતી ઇતની આતી નહીં હે ઠીક હે શું વાત યા અચ્છા અચ્છા હા ક્યુંકિ મેં બહુ છોટા થા તબ યુએસએ આ ગયા થા ઓર મેને ખુદ હિન્દી યે દીપક કલાલ કે સાથ રહે રહે કર સીખી હે तो अगर तेरे दिमाग में ये डाउट है कि मैं गुजराती समझ लेता हूँ और बोल लेता हूँ अपन हिंदी ही नहीं नहीं छोड़ो अपन हिंदी ही बात हाँ तो
भाई देख हिंदी में बात कर यहाँ पे, तू गुजराती बोलेगा मुझे समझ नहीं आएगी, फालतू में मैं तुझे लात मार के निकाल दूंगा। हाँ बोलो। हाँ लात मार के मत निकालो। तो भाई कहाँ पे लगाता है दिहाड़ी तू? बस यही मजदूरी का दिहाड़ी लगा देता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब प्रोफाइल तो तूने जेंटलमैन टाइप वाली रखी हुई है और दिहाड़ी का तू काम करता है। मतलब सकल से तो तू, मतलब ऐसी तूने प्रोफाइल पिक्चर रखी हुई है जैसे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो। हाँ तो पॉलिटिशियन सी है ब्रो, अपनी डीपीओ। मतलब तू मजदूर है या पॉलिटिशियन है? मजदूर। अच्छा तुम्हारे अच्छा। सामने हम मजदूर है भाई, हम इतने बड़े नहीं है ब्रो। क्या बोल रहा है? तुम्हारे सामने हम इतने बड़े नहीं है ब्रो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, कब से पता नहीं है रंडी बोल रही है, ऐड करो। आ जा रहा करो ना ब्रो, आ जाओ करो इसको ऐड। अपन भाई अपन मजे ले सकते हैं, आप बोलो तो, यू नो। हाँ अगर तुझे हिंदी से सही से बोलनी आती है तो तू मजे ले सकता है, लेकिन हिंदी ऐसी बोलियो कि सामने वाले को समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल समझ आएगी अपनी भाषा पूरी, बिल्कुल। हाँ ये रोंड को मैंने दूसरी बार ऐड किया, फिर भी ये रोंड घूमती रहती है। अरे ऊपर आना रोंड, नीचे बैठ के कहाँ मजा ले रही है? निकल मेरे भाई ने तेरे को ऐड किया और तू नहीं आई ऊपर। और भाई कब आ रहे हो आप? तू सूरत में कहाँ रहता है? इंडिया कब आ रहे हो आप भाई? अपना मेन हाईवे है ना जो सूरत एंटर एंट्रेंस में ही है ब्रो अपना घर। अच्छा मतलब एंटर होते ही मतलब तेरे घर में ही जाती है सीधी ट्रेन? नहीं नहीं ट्रेन नहीं जाती है, जैसे सूरत का एंट्रेंस है ना अंदर, अपना हाईवे रोड है ना, वहीं पे अपना ब्रो घर पे। और पनोनी भाई कब आ रहे हो इंडिया आप? आज सच सच बात बताओ, बड़े दिनों के बाद ऐसा मेरा मतलब दिन आज सूरत, क्या पता कहा होगा था कि आज मेरे को लाइफ पे आने का मौका मिला। रियली बड़े दिन के बाद मैं सोचता था कि भाई शायद तक कि मेरे को लगता ऐड करेंगे करेंगे करेंगे, बाकी आज मेरे भाई ने ऐड कर ही दिया मेरे को। मतलब तू अपने आप को बहुत ही खुदकिस्मत मानता है कि मैंने तुझे ऐड किया? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा ना भाई, ये लोग कितने मतलब। ऐसा तो तूने मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज तूने देखी जो तू अपने आप को खुदकिस्मत मान रहा है कि तू मेरी लाइफ पे आ गया? एक चीज देखो, सब एक तो मैंने गाली गलौज भी देखा दीपक कलार के साथ, अब मेरे को आज 2-3 साल हो गया देखते देखते। हाँ 3-3.5 साल हो गया, बाकी कुछ तो टैलेंट देखा होगा भाई के अंदर, तभी यहाँ पे बैठता हूँ मैं। लाइव जब भी स्टार्ट होता है तब से स्टार्टिंग से बैठता हूँ यहाँ पे। देखो एक माधवचोद लिख रहा है कि गुटखा देखा इस बंदे ने, देखो ये माधवचोद इतने हराम ही लोग है ना भैड़ के लोग, लाल टमाटर खा के थूक दू तेरी तो चड्डी पे मूद दू ऊपर आ तू, ऐड करो इसको। भाई के ऊपर किया कमेंट तो तेरे को लाल कर दूंगा, और मिर्ची भी नहीं देख पाएगा वैसा बेटा, तेरे गंडिया लाल करके धमाल कर दूंगा। वाह मतलब तुम तो यार शायरबाज निकले। ना, ना ब्रो ये ना आपको देख देख के थोड़ा थोड़ा अच्छा तुम ये बात मानते हो, भाई तुम ये बात मानते हो कि मेरे अंदर टैलेंट जो है वो खचाखच भरा पड़ा हुआ है? तुम ये बात मानते हो कि अभी तक तो मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा मतलब 30% टैलेंट ही लोगों को दिखाया है, अभी जो 75% मेरा जो हुनर है, मेरा अंदरूनी हिस्से में जो खचाखच मेरा टैलेंट भरा पड़ा हुआ है वो तो मैंने अभी तक लोगों को दिखाया नहीं है। देखो मैंने लोगों को देना चाहिए वो भी नहीं, मैंने अभी तक वो टैलेंट मेरा इसीलिए लोगों को नहीं दिखाया कि अभी लोग है ना आज के टाइम पे लोग यूट्यूब के पीछे पागल है,
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन लोगों को, इन यूट्यूबरों को पता नहीं है कि अभी अभी दुनिया बदल रही है। अभी दुनिया इस तरह से बदल रही है कि जो लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर में पैसे छाप सकते हैं। फ्यूचर मेरे जो सारे कंटेंट है वो सब AI में आने वाले है, और सारे जो ये दो कौड़ी के यूट्यूबर्स और ये सब लोग है वो सब लोग मतलब बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि देखो अभी AI का जमाना है, तो अभी से तुम तुम्हारे अच्छे अच्छे कंटेंट ये दो चार पैसे कमाने के लिए पब्लिक में तुम वायरल कर दोगे तो फिर तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो? बचेगा नहीं, हाँ, बाद में कुछ नहीं बचेगा, राइट राइट। हाँ, तो अभी तो मैंने पब्लिक को सिर्फ मेरा 30% टैलेंट दिखाया है। अभी 75% टैलेंट मैं पब्लिक को तब दिखाऊंगा जब AI लोग सब यूज करने लगेंगे, AI का लोगों को नॉलेज आ जाएगा, तब मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। हाँ, सही बात है, कुछ मिलना भी चाहिए ना, अपन अपन हुनर दिखा रहे तो अपने को कुछ मिलना भी तो चाहिए, राइट? हाँ, मैंने बहुत जगह पे हुनर दिखाया लेकिन हमेशा मुझे मिली तो सिर्फ लाटे मिली, लोगों ने मेरा हुनर समझा ही नहीं, समझे नहीं। बाकी यू नो सब देखते रहते हैं भाई तुमको, वो अंदर अंदर से कलसते तुमको। हाँ, देख के अब देखो, एक देखने की बात बताता हूँ मैं, अब मतलब मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसे मजदूर लोग आएंगे तो फिर मेरा हुनर कैसे तुम लोग पहचान पाओगे, समझ रहे हो भाई? मैं बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी तुम एक मजदूर हो, उससे पहले क्या था वो गंजेड़ी था, उससे पहले क्या था वो रसोईया था, ठीक है? मतलब जो मेरा क्राउड है ना, मेरा क्राउड ही मतलब इतना दो कौड़ी का क्राउड है कि ये लोग बातों को या मेरे टैलेंट को नहीं समझ पाएंगे। ये तो बात सही है, बिल्कुल। हाँ, उसको समझने के लिए मतलब सेंस चाहिए, उसको समझने के लिए एक बंदे के अंदर एक नॉलेज चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर है नहीं। देखो तुम्हारा क्या है कि भाई 200-300 की दिहाड़ी लगाई, रात को पौवा पिया, अगर शादीशुदा हो तो पौवा पी के बीवी के ऊपर चढ़ के सो गए, अगर शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुम लोग जाते हो GB रोड पे जाओगे या तो ग्रांट रोड पे जाओगे, ठीक है? हाँ, तो अब ऐसी सोच वाले लोग यार मेरी जो रील्स है, मेरे जो आइडियाज है, उनको नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। हाँ देखो, अब मेरी लाइफ पे कैसे कैसे लोग आते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए रंडी ऊपर आ, ये देखो ये राउंड को मैंने ऐड किया है, ए राउंड ऊपर आ, ऊपर आ भाई ऊपर आ जल्दी यार। राउंड देखो, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। ये रंडी को मैंने 3 बार ऐड किया लेकिन ये रंडी जो है वो तीसरी बार घूम रही है। गार्ड पे लात मारो ना इसके, दबा के इसके ढूंढे पे लाल हो जाए अपना। ये रोंड तीसरी बार डोल रही है यहाँ पे। हाँ तो अरे ओ बहन, तो गलती से इसको भी हटा दिया। लो भाई, गलती से इसको भी हटा दिया। भाई देखो, मोहित को जो पैसे देने थे 15 लाख रुपये, मोहित को जो 15 लाख रुपये देने थे वो डबास को, वो 15 लाख का ट्रांजेक्शन मोहित के किसी जानने वाले उसके दोस्त ने वो पैसे डबास को 15 लाख रुपये दे दिए है। डबास ने मुझे आज एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसके अंदर डबास ने बोला कि भाई मेरे 15 लाख रुपये वापिस आ गए हैं। तो थैंक यू पनौड़ी भाई, आपने मुझे हेल्प की। तो मोहित का जो हिसाब था 15 लाख का डबास के साथ, भाई वो मोहित के किसी दोस्त ने वापिस दे दिए है। तो अब तुम लोग मोहित को कुछ गलत मत बोलना, ठीक है? क्योंकि वो पैसे मोहित के किसी दोस्त ने वापस कर दिए हैं डबास को।
चलो ये है जितेंद्र कुमार, आ जाओ भाई। कभी मैं नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं दूर दूर रहता हूँ, कभी मैं नूर नूर कह देखो भाई, जब खड़ा होता है ना तो नूर नूर, और जब जड़ जाता है तो दूर दूर। मादरचोद, बातों को समझो, मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे मतलब दिमाग लगाओ। कभी मैं नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं दूर दूर रहता हूँ। हाँ भाई, जब सामान रेडी होता है ना युद्ध के लिए, तब नूर नूर कहता हूँ, और जैसे ही जड़ जाता है उसके बाद मैं दूर दूर रहता हूँ। तो ये लाइन का मतलब ये है। पुनोड़ी भाई, हेलो हेलो। हाँ पुनोड़ी भाई, कैसे हो पुनोड़ी भाई? बस भाई मैं ठीक हूँ, और कहाँ से हो पुनोड़ी भाई? मैं राजस्थान से हूँ पुनोड़ी भाई। आपको यार बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ पुनोड़ी भाई, बहुत सालों से। क्यों? मैं आपके बात करने के लिए बहुत सालों से, कसम से पिनोड़ी भैया मानोगे नहीं आप, मैं 3 साल से आपका वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 3 साल से वेट कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल पिनोड़ी भाई, मैं कसम से आपको, मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं पिनोड़ी भाई से बात हो जाए, हमारी बात हो, लेकिन पिनोड़ी भाई कभी बात नहीं। आज आपने कैसे, मतलब पता नहीं, देखो आपने मुझे ऐड किया है, क्या बताऊँ पिनोड़ी भाई आपको यार। तो मतलब यार 3 साल से तुम वेट, यार 3 साल में कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड का भी वेट नहीं करता? लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ पुनोड़ भाई, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं रात को, मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइव, मैं कंटिन्यू आपकी लाइव देखता हूँ। मैं रहता हूँ बाहर गल्फ में रहता हूँ, लेकिन मैं आपकी लाइव कंटिन्यू देखता हूँ मैं। अच्छा, गल्फ में कहाँ पे रहते हो भाई? मैं अभी सऊदी अरब में हूँ। अच्छा, सऊदी अरब। कितने साल से रह रहे हो वहाँ पर? मेरे को हो गया अभी 6 साल हो गए। अच्छा, 6 साल हो गए तुम्हें, और क्या करते हो वहाँ पे? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, तो कितने कमा लेते हो भाई महीने के वहाँ पे? पुनोड़ी भाई आ जाता है महीने का 70,000 समथिंग, 70,000, 60,000, 70,000 आराम से आ जाता है महीने का। अच्छा अच्छा, लेकिन उसमें से तुम मतलब सेव कितना करते हो? बस वो पूरा सेव कंपनी, खाना पीना पूरा कंपनी का पुनोड़ी भाई। अच्छा, मतलब 60-70 हजार रुपये तुम जो कमाते हो वो सीधे का सीधा सेव होता है? हाँ हाँ, वो सेव होता है। तो अभी 6-7 साल से हो, तो तुमने तो भाई बहुत सारे पैसे बना लिए होंगे। नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं पुनोड़ भाई, आप तो बड़े बड़े आदमी मालिक हो। आप तो भी अमेरिका में हो, अच्छा पैसा कमाते हो आप तो। अच्छा, हम कहा इतना, मतलब 3 साल आप तो से यार तुम तीन साल से